राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइस की इंटरनेशनल बिजनेस मीट में हमारे बीच में श्री के मेनन जी, किरणदीप जी, सुरेश जी, अरुण जी, शरद कुमार जी, सुशांत कुमार पांडा जी और एसोसिएशन के सभी फाउंडर सदस्य बने और इसके प्रयासों में विशेष रूप से कैलाश जी और उनकी पूरी टीम सबको मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने राजस्थान की शौर्य की धरती, वीरता की धरती, त्याग तपस्या की धरती, सेवा समर्पण की धरती, लेकिन आज आपने देश और दुनिया को बता दिया कि ये मसाला प्रोडक्शन की बड़ी धरती है। और मुझे खुशी है कि आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि भारत का 25% से ज्यादा मसाला कल्टीवेशन में, प्रोसेस में, पैकिंग में और उस बाद उसके एक्सपोर्ट में राजस्थान की इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है। पहले मैं समझता था कि मेरे हाड़ौती क्षेत्र की दुनिया की चमक केवल भारत नहीं दुनिया के अंदर है, लेकिन आज जब मैं गया तो मैंने देखा कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जिस तरीके का मसाला की उद्योग के रूप में और विशेष रूप से कुछ स्पाइसेस, कुछ मसाला तो केवल राजस्थान ही उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें मैंने विशेष रूप से देखा कि किस तरीके से हमारा जीरा और मेथी के बारे में तो बताया कि 70% मेथी का प्रोडक्शन केवल राजस्थान में होता है और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि चाहे रामगढ़ मंडी का धरिया हो, जोधपुर संभाग का जीरा हो, नागौर की कसूरी मेथी हो, बिलाड़ा की सौंफ हो, बीकानेर की मेथी हो, अजवाइन और मिर्ची, ऐसे बहुत सारे मसाला प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हब राजस्थान की धरती पर है। दुनिया के अंदर जब जाएंगे आप तो देखेंगे कि भारत के मसालों की डिमांड सबसे ज्यादा है। हम मिडिल ईस्ट के इलाके में जाते हैं तो मिडिल ईस्ट के इलाके के अंदर सबसे ज्यादा भारत के मसालों को पसंद करते हैं। अब कुछ यूरोप की तरफ बढ़ने लगे हैं और कई कंट्रीज में साउथ अफ्रीका के अंदर भी मैं गया, पूरी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी भारत के मसालों की डिमांड बढ़ रही है।
और यह आपका प्रयास है कि आपके प्रयासों के कारण हमारे किसान समृद्धशील हो रहे हैं, प्रगतिशील हो रहे हैं, कम जमीन पे ज्यादा उत्पादन और उस उत्पादन के बाद वैल्यू एडिशन कर उसको मसाले में प्रोसेस करने का काम आप लोग करते हैं। जब तक हम वैल्यू एडिशन किसी भी खाद्यान्न के हो या मसाले के हो या अन्य कोई भी जो धरती से उगता है, सभी प्रोडक्ट उसमें केवल खाद्यान्न ही नहीं दवाइयों के रूप में भी मसाला और जड़ी बूटी उसका भी बहुत बड़ा प्रोडक्शन का आने वाले समय में राजस्थान बनता जा रहा है। और जब हम इस वैल्यू एडिशन करने की इंडस्ट्रीज को गांव में लगाना शुरू करेंगे, ग्रामीण इलाकों के अंदर शुरू करेंगे, तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। क्योंकि बदलते भारत के अंदर जहां हम परंपरागत खेती करते हैं, इस परंपरागत खेती के साथ जैविक खेती के रूप में हम कदम बढ़ा रहे हैं, प्राकृतिक खेती के रूप में अपन कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें मसाला प्रोडक्शन का भी हब बनाने की आवश्यकता है। मैंने अभी देखा कि जीरे की चमक को, खुशबू को देखा, नागौर की मेथी को देखा, मैंने यहां के धनिये को देखा, मैंने यहां की मूंगफली को देखा, ऐसे बहुत सारे आइटम जिसमें विशेष रूप से कई प्रोडक्शन तो हमारे ही होता है। ये शायद मेरी पहली जानकारी थी कि नागौर के अंदर जो कस्तूरी मेथी होती है वो कसूरी मेथी तो राजस्थान ही इसका देश का और इंटरनेशनल स्तर का 70% प्रोडक्शन का राजस्थान है। हमें इस दिशा की ओर बहुत कदम बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए हमारे पास नए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हम किसानों को किस तरीके से उनको जागरूक कर दें, उनको एक एक जमीनों को साथ मिलकर हम किस तरीके से एफपीओ बनाना शुरू करें और उस एफपीओ बनाने का काम भी आप करें, उनका सहयोग करें कि किस तरीके से फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इलाके के किसान सामूहिकता के साथ मिलकर खेती करें। और ये प्रमाणित रूप से करके साबित करें कि जो आपका एफपीओ है वो आपको परंपरागत खेती से जो नई आधुनिक खेती है जिसमें हम जितने भी हमारे कृषि के नए स्टार्टअप है, नए इनोवेशन है, नए रिसर्च है, उनका उपयोग करते हुए किसान के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करें।
अभी 24-25 को मैंने कोटा के अंदर कृषि महोत्सव के अंदर देश के नौजवानों ने जो बौद्धिक क्षमता इनोवेशन की रिसर्च की क्षमता के जो नए उन्होंने स्टार्टअप एग्रीकल्चर के सेक्टर में तैयार किए, नई तकनीकी खेती, वैज्ञानिक खेती और नई तकनीकी यंत्रों का उपयोग करते हुए हम हमारी जमीन को भी बचाते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाने का और प्रोडक्शन के साथ उसके वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए किस तरीके से दिशा होती है। दो दिन मैंने कृषि महोत्सव का मेला लगाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर पूसा के अंदर उस मेले का उद्घाटन किया था तो मेरा वहां जाने का सौभाग्य मिला और मैंने देखा कि किस तरीके से कृषि स्टार्टअप के अंदर कृषि की नई तकनीकी वैज्ञानिक तकनीकी नई तकनीकी के यंत्रों का उपयोग जिसकी जानकारी अभी किसान के अंतिम छोर तक नहीं पहुंची है उस काम को अब आपको करना है। आपकी दो दिन तक जो सेमिनार होगी, चर्चा होगी, संवाद होगा, मंथन होगा, विचार होगा, चिंतन होगा, अपने अपने अनुभवों को साझा करेंगे। ये मानकर चलें कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है विचारों का आदान प्रदान, नए इनोवेशन को सीखना, चिंतन करना और अच्छी प्रैक्टिसेज को शने शने बदलाव की ओर बढ़ना। और इसके लिए जितना आप प्रयास करेंगे राजस्थान और देश के किसानों में उतनी समृद्धि ला पाएंगे। आपके प्रयासों से किसान की जिंदगी बेहतर होगी क्योंकि आपका किसान का बड़ा निकट का संबंध है। अच्छा प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी के बीज मिलेंगे, नए इक्विपमेंट, नए संयंत्र, जितने भी नए वैज्ञानिक खेती करने के तरीके आप बताएंगे उतना ही वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि गांव में भी जब तक आप जमीन पर किसी चीज को प्रैक्टिकल करके नहीं बताओगे, जब तक किसान परंपरागत खेती को छोड़ने वाला नहीं है। इस 75 साल की यात्रा में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है लेकिन दुनिया के अंदर जिस देश ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत जल्दी परिवर्तन किया वो देश आर्थिक रूप से मजबूत होता चला गया। हमारे यहां भी 50-60% से 70% हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। मानो आप मसाला के स्पाइस के उत्पादक हैं, एक्सपोर्टर हैं, आप किस पर आधारित हैं? किसान पर आधारित हैं। अच्छी फसल पैदा होगी, क्वालिटी की फसल पैदा होगी, ज्यादा उत्पादन होगा तो आप उसको ज्यादा अच्छा वैल्यू एडिशन करके और मार्केट देश और दुनिया के अंदर ढूंढने का काम करें। जितना प्रोडक्शन अधिक होगा उतना ही आप मार्केट नए डेवलप करने का काम करें। इसलिए जो आपकी दो दिन की मीट है उसमें हमारा फोकस किसान लेना चाहिए, हमारा फोकस उत्पादक लेना चाहिए। और कई अच्छी कंपनियां अगर समझदारी से काम करती है तो वह अपने बीज क्वालिटी के बीज, कितनी पेस्टिसाइड का उपयोग करना है,
कम पेस्टिसाइड का उपयोग, कम फर्टिलाइजर का उपयोग, और जिस किसान ने कम फर्टिलाइजर कम पेस्टिसाइड का उपयोग कर अपने उत्पादन को बढ़ाया उसका एग्जाम्पल आप तोड़ देंगे तो किसान उस दिशा की ओर काम करना प्रयास करेगा। इसलिए मेरा प्रयास है कि आपको कुछ गांवों को गोद लेकर उनसे बात करकर हमें फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर या उनकी फार्मर प्रोडक्शन एसोसिएशन आप बनाकर आने वाले समय में राजस्थान देश का 25% अभी हम लक्ष्य बनाकर चल के 50% देश के अंदर और देश के बाहर भी हमारे मसाले हमारे विभिन्न तरीके के मसाले जो चाहे खाने में काम हो चाहे दवाई के अंदर काम हो आयुर्वेद में काम हो उसको हम इस दिशा की ओर काम करेंगे। और अगले साल जब आप मीट हो तो आप उसको मंथन करेंगे कि हम किस स्थिति तक पहुंचे। जब हम हर कार्य का मूल्यांकन करते जाएंगे तो निश्चित रूप से उसके बेहतर परिणाम आते जाएंगे, क्योंकि चर्चा संवाद के बाद मूल्यांकन भी जरूरी है। संसद में कहते हैं ना, आप चर्चा करी संवाद करी बातचीत करी डिबेट करी उसके मंथन से जो अमृत निकला उससे कल्याण, तो आपके जो मंथन से जो विचार विमर्श निकलेगा उससे देश के किसानों का राजस्थान के किसानों का कल्याण होगा। मुझे आशा है आने वाले समय में आपके प्रयासों से राजस्थान के किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगे और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है वो सपना भी पूरा होगा। मैं इसके लिए आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मेरी चिंता है कि गांव से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, उस पलायन को रोकना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा, वहां रोजगार लोगों को उपलब्ध कराना पड़ेगा। गांव के आसपास रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुझे लगता है कि ये राजस्थान स्पाइस एसोसिएशन से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई संगठन नहीं हो सकता। और मैं हर वर्ष आपके साथ बैठूंगा, मेरे समझ में आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो कोई विषय हो आपके एक्सपोर्ट करने में आपके नए एक्सपोर्ट मार्केट को डेवलप करने में किस कंट्रीज के अंदर हम और हमारे मसाले को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या उनकी परेशानी है, उन परेशानियों का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मैं आपके साथ हूं। हर समस्या का समाधान निकलेगा और निकालना है, असंभव को उसकी हर चुनौतियों से लड़ना और चुनौतियों से समाधान निकालना ये भारत के राजनीतिक नेतृत्व की ताकत है। और दुनिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश देख रहे हैं कि देश किस तरीके से हमारा आगे बढ़ रहा है। और उनका भी बार बार ये सपना रहता है कि हमें अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमारे गांव के अंतिम छोर पर बैठे किसान की जिंदगी को समृद्ध खुशहाल करना होगा, तब हम विकसित राष्ट्र के सपनों को पूरा कर पाएंगे। और उस विकसित राष्ट्र के सपनों में आपका बहुत बड़ा योगदान हो, आपको इस मीट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।